नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बराक ओबामा और पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को हमारे देश की मीडिया ने जिस तरह धर्म के आधार पर ट्रोल किया, उनको नीचा दिखाने वाली खबरें बनाई, वो दिखाता है कि हमारे देश का गोदी मीडिया अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी खतरा बन गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने सबरीना सिद्दीकी की ट्रोलिंग पर सख्त बयान दिए हैं। सबरीना सिद्दीकी की ट्रोलिंग पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं आपको दो बयान दिखाता हूं। अब ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान है। उन्होंने कहा कि सबरीना की इस तरह की ट्रोलिंग बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और डेमोक्रेसी के उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिसका पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पीएम मोदी की स्टेट विजिट के दौरान प्रदर्शन किया गया। ये जॉन किर्बी का बयान है, वही जॉन किर्बी जिनके बयान को हमारे यहाँ की मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था कि भारत में लोकतंत्र जीवित है और जिसे शक है उसे दिल्ली जाकर देखना चाहिए। तब मोदी सरकार को इसका क्रेडिट जबरदस्ती का दिया था हमारे देश की मीडिया ने, जबकि भारत में लोकतंत्र के इतिहास और वर्तमान दोनों की तारीफ की थी जॉन किर्बी ने। इसके अलावा व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनका बयान आप देखिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का बयान है कि हम प्रेस की आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक पत्रकार को इस तरह परेशान करने और सबरीना सिद्दीकी की ट्रोलिंग करने की हम घोर निंदा करते हैं। तो ये व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। सबरीना सिद्दीकी अमेरिका में व्हाइट हाउस को ही कवर करती हैं और उन्होंने पीएम मोदी से भारत में मुस्लिमों से भेदभाव पर सवाल पूछा था और उसके बाद मुस्लिम होने को लेकर भारतीय मीडिया ने, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों ने, कई मीडिया हाउस ने उनके मुस्लिम होने और पाकिस्तानी मूल से होने का मुद्दा उठा दिया। सवाल सही है या गलत इसका विश्लेषण करने की बजाय उनको धर्म को लेकर टारगेट किया गया और बराक ओबामा को भी अब भारत में लगातार सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार, अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार टारगेट कर रहे हैं कि देखिए उन्होंने इतने बम गिराए थे और उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है और बराक ओबामा जो कभी पीएम मोदी के जिगरी यार हुआ करते थे आज हमारे देश की मीडिया के लिए लगता है कि विलन बन गए हैं। लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग, दोस्तों, पीएम मोदी का बचाव करना ठीक है लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये राष्ट्र के हित में है। बराक ओबामा को ट्रोल करना, सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करना और उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरह का बयान आना दिखाता है कि पीएम मोदी जो अच्छा करके आए थे, जो भारत के लोकतंत्र के बारे में अच्छा बोलकर आए थे, तो गोदी मीडिया कृपया रायता ना फैलाए, इस तरह एक्सपोज मत करो कि अमेरिका वाले ही सोचे कि यार मोदी कहते कुछ और है और भारत में हो कुछ और रहा है। उसी पत्रकार को ट्रोल करना जिसने पीएम मोदी से सवाल किया धर्म के आधार पर, सरासर देश की तरफ से गलत संदेश जाता है और ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बिगाड़ने वाली बात है। जब आप किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को ट्रोल करते हो, वहां की एक पत्रकार को ट्रोल करते हो सवाल पूछने को लेकर, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या हमारे देश का मीडिया हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी खतरा बन गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।